हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू द फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 5। ऐसे नंबर का स्क्वायर फाइंड करना जिस नंबर के पीछे 5 आता है और वो भी 2 सेकंड में। जैसे कि नंबर है 25 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर और 125 का स्क्वायर। इसमें 2 स्टेप कर रहे हैं फाइंड करने के लिए। सबसे पहला स्टेप, सबसे पीछे का नंबर मतलब कि यहाँ पे जो 5 है उसको फोकस करना है। 5 का स्क्वायर हम सबको पता है होता है 25, उसको लिख दीजिए 25। अब दूसरा स्टेप जो यहाँ पे 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करना है हमें उसके आफ्टर नंबर से। 2 का आफ्टर नंबर होता है 3, 2 3 6, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 625, जो है 25 का स्क्वायर। वैसे ही हम देखें कि 75 का स्क्वायर फाइंड करना हो तो 5 का स्क्वायर होता है 25। और सेकेंड स्टेप, 7 जो है यहाँ पे उसका आफ्टर नंबर से मल्टीप्लाई, 7 8 56, यहाँ पे हम लिख देंगे 56, तो 5625 वो हो गया 75 का स्क्वायर। वैसे ही हम फाइंड करेंगे 125 का स्क्वायर। इसमें भी पहला स्टेप, सबसे पहले हमें सिर्फ 5 को ही फोकस करना है। 5 का स्क्वायर होगा 25। हमारा सेकेंड स्टेप है जो भी नंबर हो आगे उसके साथ आफ्टर नंबर का मल्टीप्लाई, मतलब कि यहाँ पे है 12 मल्टीप्लाई बाय 13। 12 मल्टीप्लाई बाय 13 करते हैं तो इसका आंसर होता है 156। तो आपको मिल गया 125 का स्क्वायर, वो भी 2 सेकंड में। अब इस मेथड को आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, वेयर टू यूज। जैसे कि मैथमेटिक्स में आपका चैप्टर है मेंशुरेशन, उसमें एक फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर या फिर पाई आर स्क्वायर एच। इसमें जो आर की वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ पे है 3.5, तो यहाँ पे आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है 3.5 × 3.5। इससे अच्छा आप इस मेथड से अगर यूज करें तो 35 मान के इसका स्क्वायर निकाल लो। सबसे पहला स्टेप 5 को फोकस करो, 25, और उसके आगे है 3, 3 का आफ्टर नंबर मतलब कि 4 करो उसका मल्टीप्लाई, 12। और 5 के आगे पॉइंट है इसलिए अगर स्क्वायर करना होगा तो 2 पॉइंट के आगे पॉइंट लगा दो, तो हो गया आपका आंसर 12.25, वो हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर। और आप भी इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू, स्टे ट्यून। हेलो एवरीवन, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।